हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू प्रशांत चूरू में। जैसा कि आपको पता है, 10th क्लास और 12th क्लास RBSE बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज मैं बात करूंगा। पिछली दो वीडियो में मैंने बात की थी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो छोटी छोटी वीडियो है जो हमारे चैनल पर डली हुई है, उसको एक बारी पेपर से पहले ज़रूर देख लें। उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके पेपर में डिट्टो छपेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13, मतलब हम फिजिक्स के चैप्टर की बात करेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है, अपनी मज़ार से नीचे तुम्हें आने से रहा, शेर भूखा ही सही, घास तो खाने से रहा। तो हम बात करते हैं अब चैप्टर नंबर 9, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें परावर्तन और अपवर्तन में अंतर, परावर्तन और अपवर्तन में अपवर्तन के दो नियम हैं, उसमें स्नेल का नियम वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे परावर्तन और अपवर्तन में जो प्रतिबिंब बनते हैं, वो प्रतिबिंब बनाना हमको आना चाहिए। उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल होता है, 1/u + 1/v = 1/f, और फोकस दूरी और फोकल दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला, और वो क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसी के साथ साथ थे जो प्रकाश का प्रतिकीर्णन और इंद्रधनुष का बनना और सूर्यास्त व सूर्योदय के समय लालिमा जो दिखाई देती है, ये तीनों चारों क्वेश्चन है। वो तारों का टिमटिमाना और समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, ये सभी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला चैप्टर है दसवा, और ये 4 नंबर का चैप्टर है। तो ये मानव नेत्र था रंग बिरंगा संसार, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मानव नेत्र का नामांकित चित्र, और मानव नेत्र के पार्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट्स क्या काम आता है। साथ में इसमें 3 नेत्र दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसमें से सामान्यतः ये पूछे जाते हैं, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में आता है, दूर के लिए कौन सा और जरा के लिए कौन सा। तो निकट से आप ऐसे याद कर लो, मानव नेत्र में नॉर्मली लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि के लिए हमारे जो लेंस होगा वो होगा उत्तल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, और जरा के लिए द्विफोकसी या द्विफोकल लेंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे अगला चैप्टर अपना विद्युत। विद्युत में क्या करना है, विद्युत में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर करना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन करना है, और एक न्यूमेरिकल करना है। उसके बाद अगला चैप्टर अपना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा या चुंबकीय प्रभाव में चुंबक का, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम और दाया हाथ नियम, नियम याद करने हैं। चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात होता है वो पता होना चाहिए, और चुंबक कैसे व्यवहार करती है ये पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में तीनों आर का मतलब पता होना चाहिए, ओजोन परत का क्षय कैसे हो रहा है, ओजोन को बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, और पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कितना है, ये पता होना चाहिए। और जो कॉमन कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर को, तो एक बार आप पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा आसानी से, क्योंकि हमारा पर्यावरण है ये नॉर्मली SST का चैप्टर होता है और नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेना, और कुछ मेरे से कोई जानकारी हेल्प चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।